So happy birthday, Vicky Kaushal. Hello, I'm Resham and you're watching DNP India. Firstly, welcome back to our channel. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP India को सब्सक्राइब नहीं किया है, then what are you waiting for? Please कर ले. और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस, like all the videos that you like and love, उन्हें भी प्लीज शेयर करें. थैंक यू. सो बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर विकी कौशल आज यानी 16th मई के दिन अपना 34th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. अभिनेता ने फिल्म लव शब्द चिकन खुराना से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था. Did you know about it? वहीं इस फिल्म के बाद उन्होंने मसान की, जिसमें अभिनेता के काम और किरदार को नोटिस भी किया गया and people further started admiring his work as well. वहीं इस फिल्म की सफलता के बाद विकी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कई हिट फिल्में भी दी हैं. लेकिन आज के इस स्पेशल बर्थडे रिलेटेड सेगमेंट में मैं आपको उन फिल्मों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके लिए विकी कौशल मेकर्स की पहली पसंद तो जरूर थे, मगर बाद में उन्हें इन फिल्मों से बाहर कर दिया गया. दैट इज ही फेस्ड रिजेक्शन. लेट्स टेक अ लुक. So let me tell you, कि रिपोर्ट्स के मुताबिक विकी कौशल को कबीर खान के निर्देशन में बनी फिल्म 83 में मोहिंदर अमरनाथ की भूमिका भी ऑफर हुई थी. अभिनेता फिल्म में सेकेंड लीड रोल नहीं प्ले करना चाहते थे और उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया था. जब मैं आपको बता दूं कि विकी कौशल ने पहले खुलासा किया था कि मसान से पहले उन्होंने राकेश ओम प्रकाश मेहरा की स्पोर्ट्स बायोपिक विच इज भाग मिल्का भाग के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया था. एंड वन मोर थिंग, अभिनेता ने कभी किसी फिल्म के लिए ऑडिशन नहीं दिया था एंड दिस वॉज हिज फर्स्ट टाइम. वही चैट शो में विकी कौशल ने खुलासा करते हुए बताया था कि राजकुमार से पहले अभिनेता स्त्री के लिए पहली पसंद थे. जी हाँ, ही वॉज द फर्स्ट चॉइस. हालांकि विकी ने कुछ कारणों की वजह से फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया था. वहीं एक और बात, बताया जाता है कि विकी कौशल ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को ना करने का भी मन बना लिया था. Yes, you heard that right. अभिनेता के पिता श्याम कौशल ने बताया था कि विकी स्क्रिप्ट से खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे. बाद में पिता ने कहा था कि अगर विकी इस फिल्म को नहीं करेगा तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी. एंड थैंक गॉड ही फाइनली डिड दिस बिग फिल्म, राइट? सो ये तो था एक द लिस्ट ऑफ द रिजेक्टेड फिल्म्स एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एंटरटेनमेंट रिलेटेड सेगमेंट. अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. कीप लविंग अस, कीप शोविंग योर लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग DNP India.